आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ दही मसाला की रेसिपी। ये इतना ज़्यादा टेस्टी होता है कि हमारी दही या फिर रायते के टेस्ट को बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बना देता है, खाने में बहुत ही बढ़िया लगता है। तो चलिए जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई में 2 चम्मच जीरा लेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच धनिया डाल देंगे। इसे हमने 4 से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर रोस्ट कर लेना है। इसे हम तब तक रोस्ट करेंगे जब तक कि हमारे मसाले में से एक बहुत अच्छी सी खुशबू नहीं आनी शुरू हो जाती। इसे हमने बिल्कुल भी जलाना नहीं है, ये हल्का सा लाइट ब्राउन होना चाहिए। तो ये देखिए ये बहुत अच्छे से भुन चुका है। तो अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। मसाला हमारा ठंडा हो चुका है तो मैंने इसे ग्राइंडर में शिफ्ट कर लिया है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें 2 चम्मच व्हाइट सॉल्ट डाल देंगे। अब हम इसमें 2 चम्मच ब्लैक सॉल्ट के डाल देंगे। 1 बड़ा चम्मच इसमें हम काली मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे। अब हम इसमें 2 चम्मच मिंट पाउडर ऐड कर देंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे सुखाकर बना सकते हो। 1 चम्मच इसमें चाट मसाले का ऐड करेंगे। इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए मसाला हमारा अच्छे से ग्राइंड हो चुका है, बहुत ही इसका फाइन पाउडर बन चुका है। इसे हम किसी भी एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर लेंगे। मैं इसे एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर लेती हूँ। आप इसे 7 से 8 महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हो, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। जब कभी भी आपने कोई रायता बनाना है तो आप इसमें से 1/2 चम्मच रायते में डाल दें, बहुत ही बढ़िया टेस्ट देता है और बहुत अच्छी इसकी खुशबू है। इसे आप प्लेन दही में, रायते में, लस्सी में, इवन आप इसे सलाद के ऊपर भी स्प्रिंकल करके यूज़ कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर देता है। इसे बना लेने के बाद आपको कभी भी मार्केट से कोई दही मसाला खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।